बेटा, तुम्हारे मामा को तुम्हारी और मेरी दोनों की जरूरत है। मिर्जा, कैसी तबीयत है? मुझे अली से बताई थी कि खराब हो गई है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर। लग तो नहीं रहा है। ऐसे बताओ, वक्त को तो पड़ लग गए। उम्र के इस हिस्से में इंसान अपने आप को पहले जैसा समझता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। और आपने कितनी उछल कूद की है बेटे की शादी में। आई कैन अंडरस्टैंड, बेटे की शादी है, दिल तो चाहता है नाच गाना उछल कूद, लेकिन भाई हमें अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखना है। बीमार तो फिर पड़ना है। कौन किस नजर से देखता है? इतना बनना सवरना झलकना, नजर भी तो लग जाती है। अपना ख्याल रखा कीजिए। आप कैसी बातें कर रही हैं? आंटी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। तो बेटा, मैं यही तो समझा रही हूँ, जवानी का वक्त कुछ और था और अभी का वक्त कुछ और है। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। जाओ दादी से मिलो। दादो की जान, दादो की जान, दादो भी बहुत मिस करेंगी। जल्दी आ जाना मेरा बच्चा। भाई आधा डालो अभी से तुम। नज़ा, 10-15 दिन से पहले तो अलीज़े को मैं नहीं भेजने वाली हूँ। शादी का घर है, इतना कुछ काम तैयारियां बाकी हैं। अल्लाह आसानियां करेगा, हो जाएगा सब कुछ बहुत अच्छे से इंशाल्लाह। अच्छा मेरीन, मैं जा रही हूँ, मगर तुम ध्यान रखना कि मामा सारी मेडिसिन टाइम पर लें, ठीक है? हाँ अलीज़े, ठीक है। ओके, खुदा हाफ़िज़। लेट्स गो। चलो 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 चलो, आज हम नानू के साथ। नानू हाउस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पापा कहाँ चले गए? बाबा, तुम्हारे मामा को तुम्हारी और मेरी दोनों की जरूरत है।